हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स नॉट 40X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्टोरेज को आप खाली कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको अपने मोबाइल फोन का स्टोरेज खाली करना है तो सबसे पहले मोबाइल फोन की गैलरी को ओपन कर लेना है। गैलरी में आपकी जितनी फालतू की फोटो वीडियो आपने रख रखी है, सारी की सारी फालतू की फोटो वीडियो आपको परमानेंट डिलीट करनी है, जिससे आपके फोन का स्टोरेज खाली हो जाता है। ठीक है, अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में जितने फालतू के ऐप्स है ना, उन सभी फालतू के को अनइंस्टॉल कर देना है, इससे भी मोबाइल फोन का स्टोरेज जो है वो खाली हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन में ना काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर आपको ना बैकअप सेटिंग मिलेगी। ठीक है, तो जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिलती है ना, उन सभी ऐप में बैकअप सेटिंग को बंद करना है। यहां पर मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल के लिए मैं अपने फोन की ना गैलरी को ओपन कर लेता हूं। ठीक है, गैलरी में देखिए सबसे ऊपर ये प्रोफाइल पिक्चर है ना, इसे टैप करना है। अब ये पेज आता है, इसमें देखिए बैकअप की सेटिंग है, तो ये बैकअप इज ऑफ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इस ऐप की बैकअप सेटिंग को यहां पे पहले से बंद करके रखा हुआ है। अगर आपकी बैकअप सेटिंग यहां पे चालू रहती है ना, तो इसके ठीक नीचे यहां पे ऑफ का बटन दिखाई देगा या फिर डू नॉट बैकअप लिखा हुआ दिखाई देगा, उसे टैप करके बैकअप सेटिंग इसी तरीके से बंद रखनी है। इसी तरीके से आपको और भी जिस ऐप के अंदर आपको बैकअप सेटिंग मिलती है ना, उन सभी ऐप में भी बैकअप सेटिंग को इसी तरीके से बंद रखना है। ठीक है, अब देखिए आखिरी काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। इसमें आपको नीचे की साइड सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे रीसेट ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन का स्टोरेज खाली हो जाएगा। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन में जो भी बाकी का बचा हुआ डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करने हैं, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना।